ये दर्द रोज की तरह। तू हनीमून मनाने गई है, मेरे लिए लड़के ढूंढने गई है। मेरी बात सुन, मैं ना इसकी चुपके से तस्वीर खींचती हूँ, तुझे व्हाट्सएप करती हूँ, ठीक है? तू देखना, और मैं इसकी मम्मी से भी बात कर लेती हूँ। मुझे लगता है ये लोग कराची के ही हैं, अमीर लोग कराची के, और क्या चाहिए तुझे? है ओह अमीर लोग हैं तो ठीक है, अब तू करना लड़के की अम्मी से बात। हाँ चल तू कर बात। ओके मेरे को लगता उन्हें कोई हिसार खींच के रखी है, जब ही तो मेरा कोई टोटका, कोई अमल, कोई वजीफा उस पे काम ही नहीं कर रहा, क्या करूं मैं? मगर अब जो मैं ये पानी लाई हूं ना, तू ये उसको पिला, ये ऐसा जोड़ का तोड़ है, तू देख क्या होने वाला है, ऐसा काम उतरेगा उसका कि बस तू भी खुश मैं भी खुश। अपने माँ बाप को बुलवाओ, बात करूंगा मैं उनसे। अरे ये तरबियत है, घर इस तरह नहीं बसते। ये दर्द रोज की तरह। मैं आपको एक बात बताऊं आशम भाई, जरा कान खोल कर सुन लें, आप बशारत भाई की शराफत का नाजायज फायदा ना उठाएं। जिस तरह आप कुछ बातें पहले समझा देना चाहते हैं, मैं भी आपको समझा दूं कि हम पर हावी होने की कोशिश ना करें। मनोवर एक काम करें, आप घर जाके बैठे, मैं भाई से ना बात सुन के आती हूँ। अरे सुनने सुनाने का वक्त क्या क्या वक्त सुनने सुनाने का? अब आप अपनी बेटी को अभी इसी वक्त यहाँ से लेकर जाओ। बात जब होगी, जब मेरा बेटा घर आएगा। नहीं नहीं भाई साहब, आपकी सारी बातें सही हैं। मैंने आपसे कहा ना, आइंदा ऐसे आपको मौका नहीं मिलेगा, ये आपका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगी, आप परेशान ना हो। ओए आप भी कमाल बात करती हैं भाभी जान, जब ये कह रहे हैं कि शाम को उधर बात करेंगे अपने बेटे के सामने, तो उधर ही बात होगी इंशाल्लाह। चल पुत्र उठ चलें। नहीं नहीं डॉली को ले जाने की जरूरत नहीं, हम लोग शाम को फिर आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, डॉली को आप इसी वक्त अपने साथ लेकर जाएंगे। और कान खोल कर आप भी सुन ले कि मुझे अपने घर के मामले में किसी ऐरे खैरे की टांग फंसाना पसंद नहीं है। खैरा सुन रही है भाभी जान, ये क्या कह रहा है ये बंदा? आपके अकेले और इकलौते नंदोई को ऐरा गैरा कह दिया इसने, जब ये मुझे इतनी बातें सुना रहा है। तो बेचारी डॉली का तो जीना हराम करके रखा होगा इसने। अरे जीना तो इसने हराम किया हुआ है मेरा, पता है नहीं मुंह उठा कर चले आए। अरे ये आई है और मेरी बीवी का दम निकला है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ओ बीवी तुम्हारी ने तो मरना ही था। तुम्हारी बीवी की सांस तुम्हारी चीखों से बंद हुई है। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से मेरे घर से। ओए हम खुद नहीं रहना चाहते इस पागल खाने में, चल पुत्र। भाई साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, आप इस बात को जाने दें। मैं आपसे वादा करती हूँ डॉली अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। नहीं बहन जी, नहीं नहीं नहीं, अब तो बात शुरू हुई है, शुरू हुई है बात, खत्म नहीं होगी ऐसे ही। आने दो मेरे बेटे को जरा, बात तो अब शुरू हुई है, होगी बात। और डॉली पुत्र तू अपने शौहर को फोन कर जल्दी से। खबरदार जो अपने मियां को फोन किया इस वक्त, खबरदार, कोई जरूरत नहीं है फोन करने की, वो कारोबार पर गया है, खेल तमाशा करने नहीं गया, उसके पैसे से चलता है ये घर। तुझसे बुरा तो अब भी कोई नहीं है, और तेरे पुत्र की वजह से घर चलता है और तेरी वजह से बंद हो जाएगा। और तू अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं करेगा? बेटक की तरह कर रहा है, किसको ले आई हो ये? और सुन ले डॉली कान खोल के, अगर तूने मेरे बेटे के कान भरने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
देखिए हाथ दिखाते हैं, चलें। अरे छोड़, दफा कर, आजा बैठ जा, मैं तो थक गई हूँ, मैं नहीं चलती। आजा, ऐसे ही होता है खामा खा के चोचले हैं। आए मम्मी, मैं तो कहता हूँ निकलने वाली करो, ये इधर से उधर फुदकती रहेगी ना, इसके चक्कर में हम ख्वार हो रहे हैं। अरे छोड़ दे, रहने दे, हाथ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। पता है शादी से पहले भी मैंने एक दफा हाथ दिखाया था इनको, ऐसा झूठ बोला, कहने लगे कि तुम्हें तो बहुत अच्छा खूबसूरत शौहर मिलेगा, लो मैं तुम्हारे फूफा जान देख लो। हाँ मुझे भी बोला था कि मुझे एक अमीर तरीन शौहर मिलेगा, और मिला क्या, कंजूस, मक्खी जूस। देख लो मम्मी, ये फिर लड़ने वाली बातें कर रही है, कौन सा भूखा सुला दिया मैंने तुझे जो मुझे कंजूस और मक्खी चूस कह रही है। दूंगा एक उल्टे हाथ की, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तेरा। तू दे तो सही उल्टे हाथ का, ऐसा धक्का दूंगी ना तुझे यहाँ से, याद करेगा तू। मम्मी बहुत लिहाज कर रहा हूँ मैं इसका, बहुत लिहाज कर रहा हूँ, समझा लो इसे। अरे बस कर दो लड़ाई झगड़ा, यहाँ घूमने आए हैं कि लड़ने झगड़ने आए हैं? और ठीक ही तो कह रहा है ये, अच्छी बीवियां जो होती है ना वो शौहरों की हाँ में हाँ मिलाती हैं। तू हाँ में हाँ मिला देना, तेरा क्या जा रहा है? मुझे नहीं बनना अच्छी बीवी, मैं तो आप जैसी बीवी बनूंगी। देख रही हो मम्मी इसका जवाब, देख रही हो सास से किस तरीके से बात कर रही है, ईमान से लिहाज कर रहा हूँ मैं इसका बहुत देर से, वरना तो इसका मैं हशर कर देता, पता चलता इसको मैं कौन हूँ। बशारत खालू, आपसे मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल मुझे एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ आइए, ये स्टूल यहाँ रख, बैठिए, आप कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अंकल सिर्फ एक ही बार तो मुलाकात हुई थी, आपको कहाँ याद होगा? वो असल में आपकी बड़ी बेटी का रिश्ते के सिलसिले में हम आपके घर आए थे, मैं कैसर। अब कैसे आओ, क्या लेने आओ? अंकल बहुत हिम्मत कर क्या है, मैं जानता हूं कि आप और आपकी फैमिली हमसे बहुत नाराज है, और आपकी नाराजगी भी बचा है। देखो साहब, साहब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्यों अंकल प्लीज, मुझे क्लेरिफिकेशन का मौका तो दें, मैं सिर्फ आपसे दो मिनट लूंगा। कई बार हिम्मत की है लेकिन हर बार हिम्मत टूट जाती है। अब मेरे सामने आने की हिम्मत कहाँ से आ गई? वक्त के साथ दुख मदम बढ़ जाता है ना अंकल, इसीलिए ये सोच के आया हूँ कि शायद आप मेरी बात समझें। क्या बात सुनूँ मैं, देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है, अपनी बेटी की चीखें मेरे कानों में गूंजने लगी। आपकी एक और बेटी भी है जिसकी चीखों पुकार आप नहीं सुन पा रहे हैं। आप अपनी एक बेटी के जज्बाती फैसले की सजा दूसरी बेटी को क्यों दे रहे हैं? मैं हबीबा ने भेजा। नहीं अंकल, उसने तो साफ इनकार कर दिया कि वो अपने वालिद को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि एक बार कोशिश करके तो देखूं। अंकल ये जो कुछ भी हुआ है इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, अगर फिर भी आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो मुझे सजा दें, लेकिन डॉक्टर हबीबा को ना। हेलो, अच्छा पर क्यों? नहीं नहीं तुम परेशान नहीं हो, मैं आता हूँ, माफ कीजिएगा मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, मुझे जरूरी जाना, चाय वाय नहीं पिला सकता।
प्यारी शॉल है ना मुफी जान। भाई ये शॉल दिखाओ। मुफी जान ये कैसी है, ये डॉली के लिए कैसी है? अरे तू तो सबके लिए क्यों ले रही है, तू बस बबली के लिए ले, वो छोटी है। तो आप ले लेना सबके लिए, आप तो सबसे बड़ी हैं। अरे अल्लाह मैं कोई हजुमरे पे तो नहीं आई जो सबके लिए यहाँ से चीजें उठा के लेकर जाऊं। दे पैसे चल। जो आखिरी नोट रह गया है उसके बाद है ना वापसी का किराया है। तो क्या हुआ, पप्पा जान को फोन करके और पैसे मंगवा ले। अरे पप्पा जान ने कोई वहाँ दरख्त लगाए हुए नोटों के जो तुझे यहाँ पे नोट भेज दे। अबू को फोन करना, वो तुझे भेज देंगे पैसे। शॉपिंग पे शॉपिंग तू ही किए चली जा रही है। और खुद जो 800 रुपए की हैट खरीदी है ये है? हाय अल्लाह बेबी मुझे माफ कर दे, एक हैट क्या मैंने खरीद लिया, तू तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। ती अच्छी है, मैं सोच रही हूँ कि अम्मी के लिए भी एक शॉल ले जाऊँ। पहली दफा मैं किसी और शहर आई हूँ, कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए ना, सबके लिए ये भी ले लेती हूँ। बात सुन, ये जितनी भी शॉपिंग कर रही है ना ये सब तू नहीं उठाना है, मैं एक चीज नहीं उठाऊंगा। और मैं होटल जा रहा हूँ मम्मी आराम करने। हाँ हाँ पता है मुझे, नहीं उठाऊंगा और किसी काम का है तो नहीं। चलो ये थी मेरी हूँ मैं कि नहीं किया। हाँ सही दी है, बस ये चाहिए मुझे सारी। बस एक ले ले और चल। मेरी ये समझ नहीं आता तुम्हें डोली को लाने की क्या जरूरत थी। मैंने हाशिम साहब को बहुत समझाया, उनके सामने हाथ भी जोड़े, मगर नहीं अबू अम्मी का कोई कसूर नहीं है, वो तो मुनव्वर फूफा ने हसद के अबू को गुस्सा दिला दिया था। ये मुनव्वर को वहां जाने की क्या जरूरत। अरे जब वो आई थी ना, ये जब आई तो उस वक्त मुनव्वर भी यहाँ बैठे हुए थे। जब ये जाने लगे तो कहने लगे मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ, क्योंकि बशारा साहब नहीं है। मैंने कहा भी नहीं, फिर मैंने कहा अच्छा जाओ, तो वो चले गए उनके साथ। तुम असद को फोन तो मिला, उसको बुलाओ यहाँ। नहीं नहीं इसके ससुर ने मना किया है उसको, शाम को बाप के साथ आएगा तो सबके सामने बात करेंगे उससे। अब ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि अगर बच्ची की आंख नहीं खुली तो बच्ची के अम्मा अब्बा को बुला लिया जाए, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। तू फिक्र न कर डोली, मैं तेरे साथ हूँ, मैं खुद असद से बात करूँ। अबू असद तो खुद बहुत परेशान है अपने अबू के इस रवैये से। हम लोग कल खाने के लिए जा रहे थे तो ऐन उसी वक्त असद के अबू ने चीखना शुरू कर दिया कि मेरे लिए रोटियां पका के लाओ। रोटियां कहाँ हैं, क्यों नहीं पकाई? तो पका के जाते ना, क्यों नहीं तुमने पकाई रोटियां उनके लिए? देखो कहीं तुम्हारे शौहर का तो फोन नहीं। नहीं अम्मी बेबी का फोन है। अरे हाँ बेबी कैसी है तू? डॉली हाँ ये देख मैंने तेरे लिए शॉल लिया, अच्छी है ना? अरे हाँ ये तो बहुत अच्छी है, दो ले ले। कहाँ से ले लूँ, तो पता तो है कासिम का, मर मर के पैसे निकालता है वो। मेरी बात तो कराओ इससे, ये ले। अरे डॉली तो अम्मी क्या है, अम्मी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मेरी फिक्र नहीं करो, तुम बताओ मजा आ रहा है ना खूब? हाँ अम्मी मजा तो आ रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। पता है मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं पहाड़ों के लिए बनी हूँ। अम्मी ऐसा करें आप ना अब्बू का हाथ पकड़े और उनको भी ले आए आप। तो तू अपने अब्बू से कहो ना, खूब कह दो ना। अब्बू अब्बू कैसे हैं आप? अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई यहीं पे, वरना मुझे आपको फोन तो करना ही था। अब्बू सुने ना मुझे थोड़े से पैसे भिजवा देना, ये काफी में ना मुझे पैसे ही नहीं देता बिल्कुल भी। अबू मैंने ना आपके लिए एक टोपी ली है और एक वेस्ट भी ली है। नहीं बेटा नहीं, मैं ठीक हूँ, बस तू साथ खैरियत के आ जा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। नहीं अबू नहीं, मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आना है, बस आप मुझे पैसे भिजवा दे। हाय ला बेबी घर में बात कर रही है, अच्छा मेरी भी बात करा दे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। रुकिया मजा आ रहा है भाईजान? कहाँ मजा आ रहा है, इतनी बोर हो रही हूँ मैं तो, वही सड़कें वही पहाड़ वही मौसम, बस भाईजान आपकी बहुत याद आ रही है, इतना याद कर रही हूँ मैं आपको। कोई याद नहीं कर रही, एक दफा भी भूले से भी जिक्र नहीं किया इन्होंने आपका। चल हट झूठी ना हो तो। भाईजान भाभी है आपके पास में, बात करा दे भाभी जान आप। मेरी छोड़ ये अपनी बता,
तुम कैसी हो बताओ, खैरियत से हो? भाभी जान, कासिम की डेडी तो ठीक है ना? अब वक्त पे पाबंदी से खाना खा रहे हैं वो? हाँ, बस भाभी जान बहुत ख्याल रखिएगा उनका और पाबंदी से खाना उनको देती रहिएगा। अरे तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मुनव्वर एन खाने के वक्त आ जाता। बस भाई तुम अपनी खबर रखा करो, अपनी सेहत का ख्याल रखना, ठीक है? वो तो सबको ही पता है कि वो खाने में पाबंदी से ही पहुंच जाते हैं। अच्छा ठीक है, भाभी जान ये मेरी बंद हो गया। अरे वो मुझे लगता है सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं कॉल कट के। खत्म हो गया। क्या भी नहीं दिखा। चल मेरी एक तस्वीर तो बना दे इस शॉल के साथ, ये अच्छी आ रही है। चल आ जा। हाँ खड़ी हो जाए यहाँ यहाँ ये बंजर। असर पड़ लिया? हाँ, अब इत्मीनान से मेरे को बताओ क्या चल रहा बब्बन खाला के घर में? हाँ सही, डॉली को घर भेज दिया नहीं उसका ससुर? ये मेरे को डर था, जरा सुन मुन ले अच्छी तरह से, मेरे को पूरी रिपोर्ट दे तुम। बिल्कुल साहब, मैं आपको बाद में करती हूँ, मेरे को जरा असर पड़ने का है, मैं आपको करती हूँ। बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें मेरी अम्मी पे, जो उनके घर के सारी सुनगुल ले रही हो तो? क्यों तुम्हारे को शर्म आना ऐसा छुप के काना लगा के तुम मेरे बातें सुन रहे हो? अच्छा तुम मेरी अम्मी के घर की सुनगुन लेती रहो और मैं कान लगा के तुम्हारी बात भी नहीं सुनो? आओ ले रही थी सुनगुन, मेरे को किसके बाप का डर नहीं पड़ा, समझे तुम? तुम जाओ जरा मालूम करो डॉली कहे को तो भी घर आके बैठ गई, क्या हुआ? ससुरे कहे को भेज दिया उसको घर? मेरा बस चले ना मोमी टोमी, मैं तुम्हारे को भी ना ऐसी फारिग करके भेजूंगा नीचे, सीढ़ियों से नहीं ऐसी ऊपर से फेंक दूंगा। अरे ओ नजमा आंटी, एक बात याद रखना, अगर मुझे इस घर से निकालने की तुमने सोचे भी ना तो एक हाथ छोड़ के दूसरे हाथ से दे दूंगी। ऐसा करेंगी तू मेरे साथ? शर्म आना तेरे को, जाड़ सूरत। मुन्ने मुन्ने इधर आ, बुलाओ बुलाओ, इधर आ जरा जल्दी। अब क्या हुआ मुन्ने? अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं जो है बिल्कुल साहब से ऐसा खामोश बातें कर रही थी, इन्हें आके शुरू करी, तमाशा इन्हें शुरू करी है, पूछो इसे। देखो तुम इसको समझा लो, ये उजाड़ सूरत लेके ना इन्हें मेरे सामने नहीं आना, अलग कमरे में बिठाओ इसको। देख मुन्ना, ये जो तेरी अम्मा है ना, ये मुझे मनहूस शक्ल बोलती है बार बार। अगर इस दुनिया में कोई मनहूस शक्ल का आलम ही दिन होता ना तो सबसे बड़ा अवार्ड तुमको मिलता। मम्मी? क्या मम्मी? खाली मम्मी मम्मी क्या कर रहा है, लगा उसको एक हाथ। हाँ, जुनत है इसकी लगाएगा मुझे। तू ना जनमुरी दे जनमुरी, खाली मम्मी जी करता रह जा, उजाड़ सूरत से तो हट। हाय अल्लाह, जूतियां चाट लेते बैठ। अम्मी देख मुन्ना, अगर ये तेरी अम्मा ने मुझे उजाड़ सूरत और मनहूस सूरत बोलना बंद नहीं किया ना तो दुनिया में जो सबसे बड़ी तेजाब की बोतल है तेरी माँ के मुंह पे डालूंगी। है तेजाब? मम्मी जी कंट्रोल कंट्रोल, मम्मी जी कंट्रोल। आप ना कमरे से ना निकला करो, ना कमरे से निकलोगी ना मामा से सामना होगा। हाँ अच्छा, ताकि कमरे में पड़े पड़े मैं सड़ जाऊं। देखो मुन्ना, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं तो भाग के जाओ और सारे फ्लोर से एक जबरदस्त सी नली निहारी लेकर आओ, और सब कुलचे भी लाना और नान भी और सारा मसाला भी लेकर आना, मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से। मुन्ना जल्दी जाओ। अच्छा मम्मी जी, अच्छा लाता हूँ। फुर्सत मिल गई तुम्हें फोन करने? आप आ गए घर वापस, मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। अच्छा, मुझे आए हुए तो घंटा भी हो गया। तो आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैं तुम्हें क्यों लेने आऊं? तुम खुद अपनी मर्जी से गई थी तो खुद आओगी वापस, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। जी ये दर्द रोज की तरह। रहनुमा ख्वाजा साद रफी की एहतसाब अदालत में पेशी, 21 जनवरी तक राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कहते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन होगी तो पर दबाव बढ़ेगा, इस गैर संजीदा हुकूमत संभाला नहीं जा रहा, लड़ नहीं तो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहा हूं। आपके नाम पर एहतसाब नहीं किया गया। डॉली किधर है? डॉली 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 घर पे नहीं है ना, उसने मुझे सुबह का नाश्ता दिया ना दोपहर का खाना पका कर गई, जैम डबल रोटी से मैंने नाश्ता किया है सुबह का। सब खैरियत तो है ना उनके घर? हाँ उनके घर तो मियाँ सब खैरियत है, खैरियत तो यही नहीं है हमारे घर में। भला बताओ
जरा मैंने नाश्ते के लिए सुबह क्या कह दिया, मैं नाराज होके रोते धोते अपने अम्मा को फोन कर दिया घर में, पप्पा से बात की, पप्पा उसकी अम्मा को लेके यहाँ आ गए और आकर मुझसे बदतमीजी की, कह रहे हैं कि आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारी बेटी से बदतमीजी करने की, हमारा इस तरह संध्याने निभाए जाते हैं क्या है? ले गई उसको वो उसकी माँ और पप्पा अपने घर, और जाते हुए कहने लगे हम ले जा रहे हैं अपनी बेटी डॉली को और असद मियां से हम खुद बात कर लेंगे, कर ले बात। अब मुझे क्या घूर रहा हो, मैंने क्या किया है, मुझे समझ रहा हो बच्चा है, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। हाँ, वो जो तुम्हारे कान भरती है ना, पल पल की खबर देती है तुमको, क्या मैं नहीं जानता कि तुम उसके कहने में आ जाते हो, बेवकूफ समझ रहा हो बाप को? नहीं, डॉली ने मुझे कोई फोन नहीं किया, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। फोन नहीं किया, बड़ी बेफिक्री है भाई, बड़ी बेफिक्री है, उसे कम से कम फोन तो करना चाहिए था तुम्हें भाई। वो मेरे पप्पा से कुछ ज्यादती हो गई, उसने तुम्हारे अब्बू के सामने कुछ गलत सलत कह दिया, तो माजरत करते हम शर्मसार है, भला बताओ ये भी नहीं कहा उसने, हैं? फोन पे ये तो कह सकती थी, एक एक खबर तो तुम्हें देती है, ये बात नहीं कही उसने। अरे उसे तो पता है कि तुम उसकी मुट्ठी में हो, जो बात कहेगी वो तुम तो फौरन मान लोगे। नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं, ना तो मैं उसकी मुट्ठी में हूं, ना ही आपके खिलाफ कभी कोई बात करती है। हजम नहीं हुई ये बात तुम्हारी मुझे। क्या कर रहा हो ये? हैं? किसे फोन कर रहा हो? डॉली को और किसे? अरे बंद करो, बंद करो, बंद करो इसे। मुझे उसे बात तो करने दें। अरे बंद करो इसे, उसे तुम्हारी कमजोरियों का सब पता है, जानती है वो कि वो नहीं आएगी तो तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे, मनाओगे उसे, मना कर ले आओगे यहाँ, ये बातें वो सब जानती है अच्छी तरह। मुझे ऐसे टट्टू शौहर बिल्कुल पसंद नहीं है, टट्टू कहीं के, बताओ भला। अरे मुझे उससे बात तो करने दें आप। क्या बात करोगे हैं? मैं इतनी देर से तुम्हें क्या समझा नहीं रहा, मैं इससे बेहतर है तुम्हें समझाने से कि दीवार से सर फोड़ लूं अपना। तुम्हारी खबर अकेला छोड़ गई, अरे तुम्हें क्या पता, अकेलापन महसूस करता हूं मैं, कैसे जी। जाओ अपने जिंदा बाप को दफन करके आ जाओ, आप ऐसे ही कहती थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, नई औलाद मार देगी। अब बताओ भला, ये उम्र को दूसरी शादी करनी? अल्लाह मेरा ये मतलब नहीं था। अम्मी क्या हुआ बेटा, ये असद अभी तक आए क्यों नहीं? बेटा आ जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे तो घबराहट सी हो रही है, ऐसा करती हूँ खुद ही चली जाती हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम नहीं जाना, वरना जो तुम्हारे ससुर है ना बहुत नाराज होंगे। मैं तो समझती हूँ अच्छा यही होगा तू अपने बेटे के साथ यहाँ आ जाए, जो गिले शिकवे तुम्हारे अब्बू के सामने करें। ऐसा मैंने किया क्या है जो गिले शिकवे करेंगे? बेटा इस साल में छोटे मोटे मसले चलते ही रहते हैं, समझदार लड़कियां जो होती हैं ना वो सबर से काम लेती हैं, तो उनके घर बसे रहते हैं।
तुम सब्र करना सीखो, समझी? वाह, बड़ी अच्छी पिक्चर आई, मेरी भी लेना। जल्दी जल्दी चले। हाँ एकदम, हाँ थक गए ना, कर चल। ये पकड़ ले, कासिम कहाँ रह गया? पता नहीं, रो रहा होगा कहीं पैसों को। यहाँ बैठ जा, मैं सुनी और चला जा रहा। आप मजे कहें। ये आ गया। मम्मी, मम्मी, मैंने होटल के सारे बिल जो है ना वो पेमेंट कर दिए। अब हमें सुबह निकलना होगा, ऐसा ना हो कि सुबह सोते ही रह जाना। 12 बजे के बाद ना निकलो ना तो पूरे दिन की पेमेंट करनी पड़ती है। कासिम, एक दिन और रुक जाते हैं ना, क्या हो जाएगा? अभी तो मरी भी ठीक तरह नहीं देखा। और मैंने सुना है, मुझे फरी बता रही थी कि ना मरी के आगे भी बहुत प्यारी प्यारी जगह है, वो नारायण काकान, वहाँ चलते ना, बड़ा मजा आएगा। पागल हो गई है, घूम लिया जितना घूमना था, अब निकलने की तैयारी करो। लेकिन पप्पी जान, मैंने तो अभी तक चेयर लिफ्ट भी नहीं देखी, मैं नहीं बैठी उस पे। देख रही हो मम्मी, जाते हुए भी कैसी नेक ख्वाहिशात जन्म ले रही है। अरे तो बिठा देना उसको चेयर लिफ्ट पे, दिल चाह रहा ना बेचारी का, बिठा दे। कोई चेयर लिफ्ट में नहीं बिठाऊंगा मैं, सीधे शराफत से बता दिए, सुबह उठ के जाने की तैयारी करनी और जाना है। आ गए बड़े, घूमने से पेट ही नहीं भर रहा इन लोगों का, घूमने से कंजूस मारा। हाँ तू तो बड़ी नोटों वाला ब्रीफकेस लेकर आई थी ना, तेरे पास तो बड़े नोट थे। हाँ, तुम लोगों ने जो लारे दिए थे मुझे, सोने के कंगन और ये और वो, पता नहीं कौन कौन से घर। अब चुप कर जाना, सोने के कंगन। मैं कैसा? मैं नहीं अंकल, उसने तो साफ इनकार कर दिया कि वो अपने वालिद को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। देखकर मुझे अपनी बेटी की चीखें देख कानों में गूंजने लगी। आपकी एक और बेटी भी है जिसकी चीखों पुकार आप नहीं सुन पा रहे। आप अपनी एक बेटी के जज्बाती फैसले की सजा दूसरी बेटी को क्यों दे रहे हैं? अगर फिर भी आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो मुझे सजा दें, लेकिन डॉक्टर हबीबा को ना। डॉली का सोच रहे हैं? हाँ ना, नहीं नहीं बबन, मैं बिल्लों के बारे में सोच रहा था कि उसकी शादी वहीं कर दें तो अच्छा। वहीं मतलब? वो जहाँ से इशरत का रिश्ता आया था। क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं? वो क्या गया है, मैं भाई मेरे ख्याल है मैं तुमसे मशवरा कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय तो वही जो आपकी राय है, और वैसे भी आपने नौशाबा को तो मना कर दिया है। छोड़ो तो पुरानी बात है, अब की बात करो तुम अपनी। एक बात तो तय है कि हमने बिल्लो के साथ बड़ी जाती की। बिल्लो ने कुछ आपसे कहा है? नहीं नहीं, बिल्लो में कुछ नहीं कहा। कैसर आया था मेरे पास। सर सुजा के बैठी रहेगी, असद को फोन खुद कर ले। मम्मी ने मना किया है, मम्मी कह रही थी कि अपने सुसर की शिकायत असद से मत लगाना।
अरे शिकायत लगाने को कौन कह रहा है, बंदा हाल अहवाल खैर खैरियत के लिए फोन कर लेता है। फोन कर, कह रही हूं ना फोन कर, पता तो चले वहां क्या हो रहा है। फुर्सत मिल गई तुम्हें फोन करने? आप आ गए घर वापस, मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। अच्छा, मुझे आए हुए तो घंटा भी हो गया। तो आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैं तुम्हें क्यों लेने आऊं? तुम खुद अपनी मर्जी से गई थी तो खुद आओगी वापस, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। जी जी नहीं, आपके अब्बू ने मुझे जबरदस्ती भेजा था। देखो डॉली, अब्बू मुझे सारी बात तफसील से बता चुके हैं, तुम खुद गई हो, अगर खुदा ना वापस चाहोगी तो आ जाओ, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। असद, क्या हुआ, क्या कह रहा था सर बताना डॉली, क्या हुआ है? अरे तू रो क्यों रही है, क्या कह रहा था? हैं? तुझे लेने आ रहा है? अच्छा बस चुप कर, बताना क्या कह रहा था। अच्छा अच्छा बस कर बस कर। अरे पकड़ ले मुझे, देख तो ये है। अरे ये तो चेयर लिफ्ट है। अरे हाँ जान, अरे यही है चेयर लिफ्ट। हाय, मुझे चेयर लिफ्ट में बैठना है, मैं बता रही हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी चेयर लिफ्ट में बैठे बगैर, बता रही हूँ मैं तुझे। मैं कह रहा हूँ मैं सीधे तरीके से चल, नहीं तो हाथ पैर भांग के सामान में भांग के ले जाऊंगा तुझे। बांध दो मुझे, मैं भी नहीं कहीं जाती, मैं तो बैठ के जाऊंगी चेयर लिफ्ट में, वरना मैं यही बैठी रहूंगी पूरी जिंदगी। अरे बिठा दे ना बेटा, तेरा क्या जाता है, बिठा दे, देख तो बेचारी का दिल कर रहा है। पूरी कराने की बात कर रहे हो, अब हम बस अड्डे पर जाएं या इसको चेयर लिफ्ट में बिठाएं? चल उठ बेटा, उठ बिठा देगा, उठ जा, उठ उठ जा, उठ जा, उठ जा, चला चल चल। अरे मेरा हाथ तो पकड़ ले। आप सामान के पास ही बैठना मम्मी, ऐसा नहीं हो कि हम चेयर लिफ्ट में बैठे हो सामान ले जाए कोई। अरे सामान के पास ही बैठ जाऊंगी, तू इसको घुमा ला चेयर लिफ्ट पे, मरी जा रही है चेयर लिफ्ट पे बैठने के लिए। मेरी तो जान ही निकाल दी आप लोगों ने, इतना सामान। अरे अब कहीं जाता है बंदा तो सामान तो होता ही है ना। शादी का तो पता नहीं लेकिन क्या इरादा है? बस ठीक है, मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? हैं? किससे बातें कर रहे हो? मैं वो नौकरी के सिलसिले में बात कर रहा था, तंग आ चुका हूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता छोटी चीज के लिए आपसे पैसे मांगने पड़ते हैं। अब मैंने सोचा है मैं कहीं नौकरी करूंगा। तुमसे कितनी बार कहा है, अब्बू से बात करो, उनके स्टोर पे जाके बैठा करो, चलो अभी हम अब्बू से बात करें। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने बात कर ली ना अपने दोस्त से, मैं किसी बैंक वैंक में अच्छी नौकरी करूंगा, ये स्टोर पर बैठना मेरे लेवल की नौकरी नहीं है ना। ये बात भी है, तो जब तक नौकरी नहीं मिल रही तब तक तो अब्बू के स्टोर पे बैठ सकते हो ना तुम, मैं अब्बू से बात कर लूंगी। वैसे भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो तुम सारा दिन घर में आवारागर्दी करते फिरते हो, फोन पे लगे रहते हो। फोन से याद आया, जरा दिखाओ अपना फोन, दिखाओ तो मैं देखूं कौन से दोस्त हैं जिनसे तुम चैटिंग करते हो, दिखाओ दिखाओ निकालो। मैं नौकरी की कोशिश करता रहता हूँ, मैं तंग आ गया हूँ आपकी और अम्मी की लड़ाइयों से, जब तक मैं अम्मी के हाथ में पैसे नहीं रखूंगा ना इस घर में सुकून नहीं आएगा। इस घर में सुकून सिर्फ तब आएगा जब तुम्हारी अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। अल्लाह ना करे। बहरहाल जब तक नौकरी नहीं हो रही ना अब्बू के स्टोर पे बैठो समझे, और अंदर आओ। और हाँ अब मैं तुम्हें फोन पे ना देखूं। अरे हाँ याद आ गया, चिकन मंचूरियन बनाया मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए, हाँ जल्दी से आके खा लो ठंडा हो जाएगा, आ जाओ जी जल्दी से।
देखें बशारत भाई, आपको अगर मुझे कुछ कहना है ना तो आप कह लें, मैं हरगिज़ बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके खानदान का कोई भी फर्द उठ के ऐरा गैरा मेरी तौहीन कर दे। मुनव्वर ने जो कुछ कहा मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। असद बेटा तुम भी चलो माफ कर दो। भाई हमने सोचा था कि आप लोग आएंगे, जब आप लोग नहीं आए तो हमने कहा चलो हम ही चले चलते। हाँ देखिए मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था कि बेटियों को ये नहीं चाहिए कि जरा जरा सी बात पे रूठ कर महके में जाकर बैठ जाए। भले ये कोई बात हुई, क्या बात कर रहे हैं आप? आपने तो खुद जबरदस्ती मेरी बच्ची को मेरे साथ भेजा था। अरे 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 अरे, अरे, अरे ये क्या कह रही है बहन जी? आपके साथ तो वो आए थे ना, क्या नाम है उनका, वो नंदोई मुनव्वर था, वही कह रहे थे हम ले जाते हैं बच्ची को अपने साथ, असद आएगा तो फिर हम उससे बात कर लेंगे। बैठा है असद आपके सामने, कर ले बात उससे, कर ले जो चाहे बात कर ले, बैठा है सामने। भाई साहब अगर मेरी बच्ची से कोई गलती हुई तो माफ कर दें, आइंदा इंशाल्लाह आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। असद बेटा अगर आपको भी कुछ कहना सुना है तो अभी कह के ना बात ख़त्म कर दें, क्योंकि दिल में रखने से ना गलत फहमियाँ बढ़ती जाती हैं। नहीं बस ठीक है आंटी, और बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग डॉली को अपने साथ ले लें। डॉली जाओ अंकल आंटी के लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आओ। फिर क्या, हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग आए नहीं, और जब डॉली ने फोन किया ना असद भाई को तो उन्होंने गुस्से से बोल दिया खुद गई थी तो खुद आओ। हाय अल्लाह, और अब अम्मी अब्बू चले गए उसे छोड़ने। हद हो गई, कितनी बार मैंने अम्मी को बिठा बिठा के समझाया कि बेटियों के ससुराल वालों से ब्लैकमेल होना छोड़ दें, मगर हमारे अम्मा अब्बा को तो बात ही कुछ समझ नहीं आती। अब क्या होगा? तुमने फोन किया था? नहीं फोन नहीं किया, अजीब सा लगता है कि फोन करो। अच्छा चाय तो पी लो।
ये दर्द रोज की तरह।